सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं सरप्रीत सिंह। मैं जोत कौर। मैं प्रिंसदीप सिंह जी। आप सभी का हमारे चैनल प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर स्वागत करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं उस स्थान को घूमने जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री संग्रहालय या ओल्ड पीएम हाउस। यहाँ पर श्री जवाहरलाल नेहरू जी का लास्ट का लिविंग रूम, स्टडी रूम है, वो हम देखेंगे। प्रधानमंत्रियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। रात में यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प लाइट एंड साउंड शो होता है, हम उसे भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो के एंड तक। आइए प्रधानमंत्री संग्रहालय को विजिट करते हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर। प्रधानमंत्री संग्रहालय के एंटर होने के बाद इस साइड बना हुआ है पार्किंग एरिया, जहां पर आप अपनी कार या व्हीकल जो है आपका पार्क कर सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं टिकट काउंटर, अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक नहीं की है तो आप उधर से टिकट ले सकते हैं। दैट साइड हमने ऑनलाइन टिकट बुक की थी तो हमें सीधी एंट्री मिल जाएगी। एंड चलते हैं इसके अंदर। और इधर साइड आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बड़ा सा एक गार्डन बना हुआ है। यहाँ से होती है प्रधानमंत्री संग्रहालय की मेन एंट्री, यहाँ पर आपकी टिकट चेक होगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिल सकती है। करवाते हैं एंट्री एंड चलते हैं इसके अंदर। यह है प्रधानमंत्री संग्रहालय का फुल मॉडल, जहां पर आप इसका पूरा दृश्य देख सकते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के बारे में, इंडिया के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहां पर आपको भरपूर जानकारी मिलेगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे इंडिया के इतिहास के बारे में, हमारा संविधान कैसे बना उसके बारे में। यहाँ पर आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर आइए, ताकि हम इंडिया को और भी अच्छे से जान सकें। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर सभी स्कूली बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें विजुअल्स द्वारा हमें दिखाई जाती हैं, जो कि देखने में अच्छी तो लगती ही हैं, साथ ही साथ हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंडिया के बारे में देती हैं। तो यहाँ पर स्कूली बच्चे अगर आएंगे तो उनको पढ़ाई में के साथ साथ यहाँ पर जो भी शिक्षा होगी वो प्राप्त होगी और उनकी पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। आइए अब विजिट करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के लास्ट रूम्स को, जहां पर उन्होंने लास्ट टाइम तक अपनी सांस ली थी और स्टडी की थी। यह है उनका बेडरूम, जहां पर उनकी डेथ हुई थी। यहां पर उनसे जुड़ी सारी चीज़ों को संभाल कर रखा गया है। यहीं बैठकर वह बुक्स रीड किया करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनसे जुड़े सारे सामान को इस जगह पर बहुत ही संभाल कर रखा गया है। ये है उनकी कलेक्शंस जवाहरलाल नेहरू जी की। ये है उनके कपड़े जवाहरलाल नेहरू जी के, वैसे की वैसे उनके ग्लव्स। उन्हें क्रिकेट का भी बहुत शौक था, इसलिए उनके पास बैट्स भी थे, स्वॉर्ड्स, स्टिक्स। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू एज अ बैट्समैन।
ਜਦੋਂ ਨਾ 1947 ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਆਪ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਮੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਏਕ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਈਡ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਕਾ ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਮੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੀ ਹਮਨੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਕਵਰ ਕੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹਮ ਉਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਬਨੇ ਰਹੀਏ। ਆਈਏ ਅਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅਧਿਐਨ ਕਕਸ਼ ਜਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਯਹੀਂ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰ ਵਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਬੁੱਕਸ ਕੋ ਰੀਡ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਔਰ ਜੋ ਉਨਕਾ ਆਫਿਸ ਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮ ਥਾ ਵੋ ਯਹੀਂ ਪਰ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਯੂਜ ਕੀਆ ਥਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਯਕਾਲ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੀਂ ਪਰ ਬਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੈਠਕ ਜਿਸੇ ਹਮ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਨਕੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਉਨਸੇ ਜੁੜੀ ਯਾਦੋਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭੀ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾ ਬੈਡਰੂਮ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖੇ ਥੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੇ ਰੂਮਸ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਨ ਰੂਮਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੇ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੀ ਯਾਦ ਮੇ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਨਕੇ ਕਾਰਯਕਾਲ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਯ ਹੋਏ ਥੇ ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ 1947 ਕਾ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਸਵਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਥੀ ਉਨਕੇ ਕਾਰਯਕਾਲ ਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹੇ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਕੇ ਨਿਧਨ ਕੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਅਖਬਾਰੋਂ ਕੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਰੂਮ ਮੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। आइए अब बढ़ते हैं तोशाखाना की तरफ जहां पर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों को जो जो गिफ्ट्स मिले हैं फॉरेन कंट्रीज से उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी जी का स्टैचू। यहां पर जो भी आप ज़्यादातर जो गिफ्ट्स हैं वो देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो कि इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें ज़्यादा गिफ्ट्स मिले हैं और दूसरे प्रधानमंत्रियों जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, उनको कौन कौन से गिफ्ट मिले थे उन्हें यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे हमारे बहुत ही फॉरेन कंट्रीज़ में वह जाते थे, वहाँ पर विज़िट करते थे, तो उन देशों के द्वारा उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए जाते थे एक याद के तौर पर, उन्हें यहाँ पर रखा गया है, संभाला गया है। अभी हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की
जो न्यू बिल्डिंग बनी है उसे विजिट करने के लिए, उसमें ही चलती है हेलीकॉप्टर राइड, और सामने जो आप प्लेस देख रहे हैं यहीं पर सिटिंग एरिया बना हुआ है जहां पर रात के समय लाइट एंड साउंड शो होता है। आइए चलते हैं न्यू बिल्डिंग के अंदर। उस साइड आप देख सकते हैं कैफे बना है जहां पर हम कुछ खा सकते हैं और इंजॉय विजिट को कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेशनल एम्बलम को जो कि हवा में उड़ रहा है ऐसा हमें लगता है, पर ये सारा कुछ मैग्नेटिज्म के जरिए हो रहा है। यहाँ पर हमारे अभी तक के सारे प्राइम मिनिस्टर्स को दिखाया गया है। ये हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और ये हैं हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर। हमें यहाँ पर आकर बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें लेनी चाहिए। यहाँ पर आप फीडबैक वॉल देख सकते हैं जहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री संग्रहालय में कैसा रहा उसे लिख सकते हैं। इस साइड आप प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फेवरेट पीएम के साथ वॉक कर सकते हैं। इस साइड आप अपने भारतीय भाई बहनों के साथ लॉन्ग चेन में बन सकते हैं। यहाँ पर आप भारत को 2047 में कैसा अनुभव करना चाहते हैं वह यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आप भी जहाँ पर ज़रूर आइए, मेरी मदर ने लिख दिया है। अगली वीडियो में मैं भी अपना कैसा अनुभव है, मैं कैसा सोचता हूँ इंडिया के बारे में 2047 तक, इसलिए बने रहिए हमारे साथ अगले पार्ट तक। तब तक के लिए बाय।